आपको बताए बिना ही लंबे समय तक दूर चले जाना उचित नहीं है। यदि जाना ही है तो इनसे आज्ञा लेकर जाओ। सावधान गौरी पुत्र, यदि ये सब माता को जगा कर आज्ञा मांगोगे तो माता कदापि तुम्हें जाने नहीं देंगी। इनका पुत्र मोह और अधिक बढ़ जाएगा। माता की ममता तुम्हें यही रुक जाने को विवश कर देगी। तुम्हें तो परम देव श्री महागणेश के संदेश का सम्मान और इच्छा का पालन करना है। भावना और कर्तव्य के संघर्ष में तुम्हें मोह का त्याग करके कर्तव्य का ही पक्ष लेना होगा गौरी पुत्र। नमः शिवाय। पिताश्री, ये जो कुछ भी हो रहा है अथवा होने जा रहा है उसे आप अपनी ध्यान समाधि में लीन रहते हुए भी अवश्य देख रहे होंगे। मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूँ वह भी आप जानते होंगे। पिताश्री, हो सके तो आप माता पार्वती को धैर्य और धीरज का संदेश दें। मेरे वियोग में यदि माता व्याकुल होने लगे तो आप उन्हें उनकी देवी शक्ति की याद दिलाएं। मैं जानता हूँ पिताश्री, ध्यान समाधि में लीन रहते हुए भी आपको तीनों लोगों का ज्ञान रहता है। आप माता को बता दें कि मैं परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करने के लिए ही उनसे दूर जा रहा हूँ, परंतु सदा के लिए नहीं। जैसे ही मुझे परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिलेगा मैं यहाँ आने में एक पल की भी देर नहीं करूँगा। ओम नमः शिवाय। कहाँ हो तुम तो सर्वसमर्थ हो पुत्र। तुम्हें अपनी माता के दुख का आभास अवश्य ही होता होगा। क्या तुम अपनी माता की इच्छा का सम्मान करने के लिए एक बार प्रकट होकर उसके तड़पते हुए हृदय को शांति नहीं पहुंचा सकते पुत्र? सदा ही तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ, तुम्हारे स्नेह और आशीष की कामना करता हूँ। अभी अभी तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे हृदय से ही निकलकर यहाँ प्रकट हो गया। मैं तो सदा ही तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ, तुम्हारे स्नेह और आशीष की कामना करता हूँ। अभी अभी तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे हृदय से ही निकलकर यहाँ प्रकट हो गया। कहाँ हो प्रिय महात्कट, कहाँ हो तुम? शीघ्र अपनी माता की दुख का अंत करो पुत्र। प्रणाम माता।